एक दूजे के वास्ते बाइक ये मुझे पता था थैंक यू मुझे मेरी बाइक बहुत प्यारी है और सेकंड बेस्ट यानी उससे थोड़ी कम प्यारी चीज का सैक्रिफाइस करना तो आसान हुआ ना अब अगर आसान है तो वो सैक्रिफाइस कैसा Hey champ! यार तू मुझे हमेशा अचानक ही क्यों मिलता है? छोड़, ये तो कैसा है? आपसे बहुत नाराज। सिर्फ मैं ही आता हूँ आपसे मिलने। आप तो कभी नहीं आते। यार वीर, वो मैं। तू कब से वेट कर रहा है मेरे यहाँ? 2 घंटे से। जुमरी दीदी ने बोला कि आप जल्दी आ जाओगे। सॉरी यार। अच्छा एक बात बता। हमारे वाला हैंडशेक याद है या भूल गया? ये हुई ना बात और सुन अब मैं ना तुझे अपना नंबर देके जाऊंगा आगे से कोई भी काम हो कोई भी बात करनी हो सीधा मुझे फोन करेगा ठीक है पर काम तो मुझे अभी है आपको मेरे घर चलना होगा मेरे साथ हम लोग वहां पे ना यार वीर आज तो नहीं हो पाएगा यार आज ना मुझे प्लीज भैया वीर तू ना मेरी बात समझ भैया के कंधे में चोट लगी उन्हें दर्द है ओए, ऐसे मत कर मेरे सारे फ्रेंड्स इंदौर में रह गए सिर्फ आप ही हो भोपाल में और आपने तो अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं किया आर्मी वाले तो प्रॉमिस पूरा करते हैं ना आर्मी ऑफिसर्स अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ते है ना मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला जल्दी मिलने आऊंगा तुमसे एक अच्छे ऑफिसर का सबसे बड़ा गुण होता है वफादारी हर उस इंसान के प्रति वफादारी जिससे आप प्यार करते हैं और मैंने ये भी तो कहा था कि जिनके नाम में बहादुर हो वो कभी रोते नहीं है चल ठीक है मैं तेरे साथ एक शर्त पे चलूंगा क्या ये बताओ कि मेरा हंसता हुआ वीर कहाँ है पहले उसे बुलाओ फिर साथ में चलूंगा हाँ यू नो व्हाट चला जा चलते हैं चलो वैसे तो इतना लेट कैसे हो गए काम खत्म ही नहीं होता चल कोई नहीं इम्पोर्टेंट बात ये है कि तू आ गई है और चिंता मत कर मैं हूं ना कंचा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा समझ कैसे आएगा गलत कर रही थी तू मैं करती नहीं अरे ये नहीं हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं अरे कोई इतने प्यार से वक्त निकाल के तेरे लिए गिफ्ट लाया तो उसका हक नहीं बनता देखने का कि कितनी अच्छी चॉइस है उसकी कंचा तूने हाँ मैंने उसे यही बुला लिया है उसकी गिफ्ट की भी साड़ी पहनकर उसे सरप्राइज देना सोचना कितना खुश होगा वो और उसने तुझे कभी साड़ी पहने हुए देखा भी नहीं होगा पहले हाँ कंचा उसने मुझे पहले कभी साड़ी में देखा कैसे होगा मैं पहली बार तो लाइफ में साड़ी पहन रही हूँ हाय मेरी बहना हमेशा साड़ी पहनना इतनी सुंदर लग रही है तू एक सेकेंड किसी की नजर ना लगे तुझे तू ना पूरी की पूरी पागल है कंचा पागल मैं नहीं पागल तो वो हो जाएगा तुझे ऐसे देखकर सोचेगा बिल्कुल ऐसा सोचा था मैंने एक सेकेंड अब ये ना कुछ ज्यादा हो रहा है मैं खुद ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रही बहुत अजीब नहीं हो रहा है कंचा ओहो कुछ अजीब नहीं लग रहा और मैं कहा तुझे बोली हूँ कि ये सब पहन के जंग पे जा हाँ ऐसे जिंदगी भी एक जंग ही है पर वो रोज वाली जंग में तुझे ये पहन के जाने की जरूरत नहीं है इसीलिए अब यहाँ बैठ 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 अब आप अपनी आंखें बंद करो क्यों
सरप्राइज है। चल। चलो आंखें बंद रखना। अच्छा चल नीचे चलते हैं। तू जा, मैं सब बाइंड अप करके आती हूँ। और वैसे भी विक्रम भी आने वाला होगा। हाँ बाबा नहीं खोलूंगा। अब यहाँ पर खड़े रहना, मैं आता हूँ एक सेकंड में। अब सरप्राइज के लिए अपनी आंखें खोलो। खाना अगर पसंद का हो ना तो अकेले में भी स्वाद आता है जी। आपके लिए मैडम जी से पूछकर शाही पनीर बनवाया है, आपको पसंद है ना? मम्मा ने रेसिपी बताई है, तो देर किस बात की थी, दो ना। हम जानते हैं कि मैडम जी जैसा नहीं बना है जी, माँ के हाथ का तो स्वाद ही अलग होता है, फिर भी हमने पूरी कोशिश। आपकी कोशिश बिल्कुल एवन है दी, लेकिन पता है खाने का असली मजा तो तब आता है ना जब पूरी फैमिली एक साथ हो। इसीलिए आज आप और मैं एक साथ खाना खाएंगे। अरे नहीं आप खाइए ना, हम बाद में खाएंगे। मुझे अकेले खाने दोगे? बिल्कुल नहीं। आज तक आपने कितने प्यार से सबको खाना खिलाया ना, आज आपके लिए प्लेट मैं लगाऊंगा दीदी। अरे आओ ना दीदी। कंचा भी ना, पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रही है आइसक्रीम लाने में। क्योंकि वो समझदार है। समझदार मतलब? मतलब आ जाएगी, तब तक हम तो बातें कर सकते हैं ना। सुनो जब तक हम कंचन का वेट करें थोड़ी देर टेरेस पे चलें। नहीं मतलब यहाँ आराम से बैठते हैं ना, बाहर कहाँ खड़े होंगे। तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो क्या? नहीं नहीं मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ सुमन, तुम खामखा मैसी फॉर्मेलिटी में मत पड़ो। ओके मैंने वैसे भी बाहर का व्यू नहीं देखा, तो चलते ना थोड़ी देर टेरेस पे। मेरे ख्याल से मुझे बाहर थोड़ी ठंडी हवा खाई लेनी चाहिए, है ना? चलोगी? पता है सुमन, आज जब से तुम्हारे घर आया हूँ तो मेरा दिल यही कह रहा है कि काश मैं एक राइटर होता और तुम्हारी तारीफ में दो चार लाइनें बोल देता। मतलब वाकई में बहुत मन कर रहा है कुछ कहने का, लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा। सुमन तुम सुन तो रही हो ना? हाँ बिल्कुल, क्या मन कर रहा है तुम्हारा? अरे यार सुमन पता है तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट से पूछता है, हाँ क्या तकलीफ है, दर्द तो नहीं हो रहा है? I'm sorry विक्रम, वो मैं तुमसे
शर्ट। घाव खुल गया है सर। ये कैसे हुआ? सर वो गलती से चोट लग गई थी। सॉरी सर, पर कैप्टन मल्होत्रा का जख्म सूख रहा था, ठीक हो रहा था, और हालांकि स्टिचेस खुलने से इस तरह के भरे हुए घाव खुलते नहीं है अनलेस उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़ा हो। डॉक्टर सुमन, ये घाव जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। ये क्या लापरवाही है कैप्टन? मुझे आपके सीओ को रिपोर्ट भेजनी है। प्लीज अपना ख्याल रखिए। यस सर। सुमन इनकी ड्रेसिंग कर दो। जय हिंद सर। बैठो। हाँ सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम तो शुरू से सिर्फ अपना काम कर रही थी ना। वैसे डॉक्टर होने के बाद भी शायद तुम्हें ये नहीं पता कैप्टन तिवारी, कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जो बैठे बिठाए खुल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, है ना? आई नो तुम दर्द में हो, जो पेन किलर्स मैंने उस दिन लिखे थे वो ले लेना, ओके? और श्रवण, मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारा घाव खुल गया, बस दोबारा मत करना। ओहो कैप्टन, कब गम? हाँ बैठो बैठो। ऐसी सरप्राइज दिया करो यार, अच्छा लगता है। एनीवे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लोगे, कॉफी चाय क्या लाऊं? कुछ नहीं थैंक्स। क्या बात है कैप्टन, यार थोड़ा सीरियस लग रहे हो, ऑल ओके? नहीं नहीं बस तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लाया था। तुम थैंक यू, पर अभी क्यों बर्थडे पे दे देते यार? मैं से अचानक बिना बताए आ गया, तुम बिजी तो नहीं थे ना? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। अरे बस वो केस के बारे में बताया था ना जो मेरे लिए बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट है, बस उसी की तैयारी चल रही है, नथिंग एल्स। टेल मी, केस के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पता है श्रवण, तुम मुझे क्रेजी बोलो या पागल बोलो, बट कसम से यार मुझे पता है क्या लगता है, हमारी ये दोस्ती है ना, इसे होना ही था। तकदीर में ही लिखा था शायद। और पता है तकदीर में अभी क्या लिखा है? अभी तकदीर में लिखा है कि तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लाने वाला है। सो कैप्टन, स्ट्रॉन्ग कॉफी और लाइट? मैंने तो सुना था कि वकीलों की नजर बड़ी तेज होती है, पर आपने तो अपने दोस्त को पहचाना ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं, बिल्कुल अच्छे से पहचानता हूं अपने दोस्त को। मेरा दोस्त बहुत अच्छा इंसान है और आर्मी में कैप्टन है, और उसका नाम है कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। सन ऑफ देवराज मल्होत्रा। वही देवराज मल्होत्रा जिनके खिलाफ आप बड़ा केस लड़ रहे हैं, और मैं वही श्रवण मल्होत्रा जिसके बाप पर देशद्रोह का इल्जाम है।
भ्रष्ट देवराज मल्होत्रा ने लालच में आके नकली वेस्ट जैकेट में बनाई होती तो मेरा बेटा जिंदा होता। मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पापा देशद्रोही। अब से मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। जाओ यहां से अभी के अभी। मेरे पापा के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो? प्लीज ऐसे मत बोलो, बस एक बार ना। मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पापा देशद्रोही। अब से मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। जाओ यहां से। तुमने इतनी मेहनत जो की है, वेल डन कैडेट। श्रवण, तुमने जिस तरह से क्लास में परफॉर्म किया है, मैं उससे सिर्फ खुश नहीं हूं, बहुत इंप्रेस्ड हूं। लेकिन मैं चाहता था कि ग्रुप स्टडी के बेस्ट मेल और फीमेल कैडेट को मैं खुद कंग्रेचुलेट करूं। जल्दी से गुड न्यूज दो। हम केस हार गए। बुलेट प्रूफ वेस्ट केस में खराब माल यूज करने के लिए दो लोगों को गिल्टी पाए गए, संजय खन्ना और विशाल गोयल। ये दोनों मिस्टर मल्होत्रा के अंडर काम करते थे, लेकिन खुद मिस्टर देवराज मल्होत्रा निर्दोष हैं। उन पे सिर्फ लापरवाही का केस बनता है, लेकिन वो पहले ही 3 साल की सजा जेल में काट चुके हैं। तो सुमन, वो मुझे कोर्ट क्लर्क से पेपर लेने हैं, तो मैं आता हूँ। क्या बेटी होने के नाते जितना हेल्पलेस तुम फील कर रही हो ना, वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ सुमन। और बिल्कुल सही कहा था तुमने कि अगर न्याय मिलने में देर हो तो उसका मिलना ना मिलना सब एक बराबर तो है। मेरे पापा देशद्रोही नहीं थे, वो बेगुनाह थे सुमन। फिर भी जितना वक्त उन्हें न्याय मिलने में लगा ना, वो वक्त उनके लिए सजा से कम नहीं था। कुछ सोचो ना, इतना वक्त क्यों लगा उन्हें न्याय मिलने में? और सुमन, कर्नल विजय तिवारी मेरे टीचर थे,
मेरे दिल में उनके लिए वही जगह थी जो मेरे अपने पापा के लिए। उनके जाने का जितना दुख मुझे उस दिन था ना, उतना ही आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। जिस तरह से उसने मुझे सॉरी कहा ना, मेरे पापा के लिए उसकी फीलिंग्स मुझे दिख रहा था उसकी आंखों में। क्या दर्द जो वो महसूस कर रहा है पर दिखाएगा नहीं। आई डोंट नो मैं तुझे कैसे एक्सप्लेन करूं कंचा, पर आज कुछ तो था। और पता है कंचा, इस सब में मुझे ऐसा लगा जैसे उसने अपने पापा की जीत की खुशी दबा दी हो। श्योली, आई मीन मुझे तो लगा था कि वो खुशी से नाच रहा होगा। नहीं कंचा, मैंने खुद देखा उसकी आंखों में और मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बड़ा धोखा खा सकती। तूने नहीं देखा पर जिस तरह से उसने आज पापा के बारे में बात करी ना, ऐसा लगा जैसे आज तक उसे भी पापा के जाने का उतना ही गम है जितना कि मुझे। कौन इतना शोर मचा रहा है? जश्न मिया, नाचो नाचो। क्या हो रहा है ये सब? पर ये सब है कौन? अरे सनकी है ना, इतना बड़ा केस जीता है तो मची होगी खुशी की सनक। अरे पर वो तो हमको कह रहा था कि मूडी है मूडी, पहले मना किया होगा फिर मूड बदल गया, केस जीतने की खुशी में एक ढोल बजवा दिए। अरे नाचो यारो नाचो। क्या ये सब? अरे मेरी जान बधाई हो, तूने कहा था तू केस जीत के रहेगा और तू जीत गया। चल आजा यार नाचेंगे। दबी हुई तो बिल्कुल भी नहीं लग रही इसकी खुशी। देखना नाच ही तो रहा है। मैं इसे सच में नहीं जानती। मैंने इससे कल भी धोखा खाया था और आज भी खाया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.